सो हाय गाइस, आज का वीडियो होने वाला है PMI जो स्लॉट्स वगैरह स्कैम हुए या कुछ ESP क्या कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में होने वाला है। सबसे पहले ये देख लो अपना पॉइंट्स टेबल है। अपना 15 मैचेस में कुछ 12 चिकन थे उसमें, और जो टॉप 10 बैट्समैन थे उसमें अपना समथिंग 35 एवरेज था, एग्जैक्ट 35 एवरेज था। और इसका प्रूफ मैं पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं गैलरी पे। चलो आ चुके गैलरी पे। ये देखो अपना फर्स्ट मैच था, देखते जाओ। सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कुछ करे, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ मैच खराब हो गया था, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ खराब हो गया था, थर्टीन, फोर्टीन खराब हो गया था, फिफ्टीन। तो तीन मैच खराब हो गया था अपना, हुआ था 35 एवरेज विथ 12 चिकन डिनर्स हुआ था, जो टॉप 10 बेस्ट मैच थे उसके 35 एवरेज था। सो आप पॉज करके अपना किल्स भी देख सकते हो, कोई फेक नहीं है और कोई कुछ मतलब बोल रहे, बंदे बोल रहे फेक बोल रहे 35 एवरेज की क्वालिफाई नहीं हुए, ये सब फेक है, बट ये फेक नहीं है। मैं और ये देखो करियर रिजल्ट भी दिखा दूंगा आपको, कंटिन्यूसली चिकन मारे थे। ये देखो करियर रिजल्ट ये है, हम लोग ने कंटिन्यूसली चिकन भी मारे थे। और अभी हम लोग चलते हैं कुछ लीक्स की तरह। इधर घातक बाइनाकुल है, कुछ इटैची नाम का बंदा फॉरवर्ड कर रहा है मेल्स वगैरह, तो ये जो आज मेल्स आए सब फेक है, बट ये सब पता नहीं। बट हाँ, मैं भी देखा था एक इटैची नाम का डिस्कॉर्ड सर्वर में, मैं भी घुसा था, एक बंदा स्कैम कर रहा था, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है भाई, ये कोई ऑफिशियल बंदा बोल रहा है लेजिट प्लेयर्स 30 लेके कि रेस्ट ऑफ क्राइंग ESP यूजर्स। भाई बताता हूँ, देखो अगर ऑफिशियल अनऑफिशियल हो क्या पता नहीं अब कौन हो, बट देखो मैं बता देता हूँ कि भाई ESP अगर यूज़र होते हैं हम लोग तो, ये देखो अपना टीम का एक साल पहले PMIT का था ये, इसमें हम लोग ने 22-25 एवरेज लेकर उस टाइम पे एक साल पहले हम लोग क्वालिफाई किए थे। मतलब समझ सकते हो अभी इस टाइम पे अपना गेम प्ले इम्प्रूव हुआ होगा, और 35 एवरेज कुछ बड़ी बात नहीं है, डायमंड और प्लैटिनम हम लोग पे कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आता है अपना प्रूफ। और अब चलते अपने मैटर की तरह। तो भाई जितना मेरे को पता है, जैसे मतलब 30-32 ऐसा KD वाला बंदे को भी क्वालिफाई कर दिया गया। एक स्क्वाड ऐसा भी है जो 7 चिकन लिया सिर्फ, उन लोग को भी क्वालिफाई कर दिया गया है। बट 35 एवरेज है, 12 चिकन है, जो टॉप 10 मैच है उसमें 35 एवरेज है, फिर भी हम लोग को क्वालिफाई नहीं किया गया। तो ये करने के बाद हमको एक ही उम्मीद बचते है, वो है यूट्यूबर्स, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स ही उम्मीद बचते हैं, ना कि हम लोग जाके कोई एक्शन उठा सकते हैं। हम लोग हेल्प मांगेंगे यूट्यूबर्स का। अगर यूट्यूबर्स गेमिंग कम्युनिटी को आगे लाना चाहते हैं या मतलब अंडरडॉग्स टीम को चांस देना चाहते हैं, तो यूट्यूबर्स कुछ इस पे ये एक्शन लो, नहीं तो अंडरडॉग्स टीम कभी इसमें आगे नहीं आ पाएगा। भाई इसमें कोई किसी के पास डिवाइस नहीं रहता है, कोई स्टडीज छोड़ के बैठा रहता है, मैं खुद इसके लिए स्टडीज छोड़ के बैठा हूँ, और मेरे पास एक रेडमी का डिवाइस है। और भाई अंडरडॉग टीम्स को आगे लाने दो, जब अंडरडॉग्स टीम आगे नहीं आएंगे तो कब आगे बढ़ेगा गेमिंग कम्युनिटी। तो जो टीम्स है 16-20-50 टीम्स, वही टीम्स आगे बढ़ने दे रहे हो, जो अंडरडॉग्स टीम है उन लोग को चांस क्यों नहीं दे रहे हो, जो लेजिटली खेला उन लोग को स्लॉट स्कैम क्यों हो रहा है, किसको स्लॉट जा रहा है, इसका लिस्ट तो दो, कितना KD वाले क्वालिफाई हुए, क्या पॉइंट्स, कुछ लिस्ट तो दो। कुछ लिस्ट नहीं दे रहे हो, ना ही कुछ ये कर रहे हो। भाई लिस्ट नहीं देंगे ये लोग, लिस्ट क्यों देंगे, लिस्ट देंगे तो इन लोग का स्लॉट स्कैम सब एक्सपोज हो जाएगा, है ना, नहीं देंगे लिस्ट। और जिसका भी KD मतलब ऐसा 37-35-33 ऐसा सब कुछ है, 40, जिन लोगों को मेल नहीं आया और तुम लोग को खुद को मतलब लगता है तुम लोग ने ESP यूज़ नहीं किया है, जैसे हम लोग ने नहीं किया, तो तुम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसके लिए अपने पास भाई यूट्यूबर्स ही बचते हो गया, मॉर्टल हो गया और घातक भाई हो गया और स्काउट भाई हो गया, ये तीनों ही हेल्प कर सकते हैं हमको। तो जाओ इन लोग का कुछ कांटेक्ट करो, मैं भी ट्राई करता हूँ इन लोग को कांटेक्ट करने का। और भाई देखो मैं बता रहा हूँ भाई, अभी कंपटीशन इतना बड़ा है ना, मतलब सोच सकते हो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अभी मतलब कॉम्पिटिटिव खेल रहे, PMPL खेल रहे हैं, अगर वो लोग PMCO का फॉल्स पीट या क्लब ओपन खेले तो भाई क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाई उससे अच्छे अच्छे टीम्स इतने सारे अंडरडॉग्स टीम हैं, बट उन लोग को चांस नहीं मिल रहा है, एक के पास ना ही डिवाइस होता है। भाई घर
भाई अगर गेमिंग कम्युनिटी आगे लाना है तो घर में कुछ करके दिखाना पड़ता है, बिना करके दिखा के घर से सपोर्ट नहीं मिलता भाई। ये उम्मीद रख के बैठते हैं, ये 2020 का लास्ट टूर्नामेंट था, इस पर उम्मीद रख के बैठे थे, तो इस पर जो लेजिटली खेले उन लोग को स्लॉट स्कैम कर दे रहे हो, उन लोग का स्लॉट पता नहीं किसको डाल दे रहे हो, तो ये गलत बात है, तो इस पर एक्शन उठना चाहिए। तो भाई अपना प्रूफ दिखा दिया मैंने और अपना केडी दिखा दिया, और अभी तक हमको कोच मेल नहीं आया, अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक कुछ मेल्स नहीं आया, और जो भी टीम्स को ऐसा मेल नहीं आया, हाँ तुम पबजी ऑफिशियल का जीमेल को जाके फर्स्ट मेल करो, उसका नेक्स्ट यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करो भाई, और ये जिसने भी अगर समझ लो ESP यूज़र्स थे इसलिए उन लोग ने नहीं लिया, भाई जब तुम लोग को पता ही है ESP यूज़र्स है तो बैन क्यों नहीं कर देते, आईडी बैन कर दो भाई आईडी बैन, अगर हम लोग ESP यूज़र थे, अगर तुमको लगता है हम लोग ESP यूज़र थे, कर दो आईडी बैन, नहीं कर पा रहे हो ना क्योंकि हम लोग ESP नहीं लगाए थे। भाई जब टॉप पे एक कॉन्करर टॉप एशिया पे बैठते हैं बंदे, तब तुम लोग नहीं स्पॉट कर पाते हो, तो जब रिजल्ट निकाल लेते तब स्पॉट कर रहे हो, तो बैन ही कर दो ना आईडी। जब हम लोग का चार बंदे का केडी मिलकर 18-20 केडी हो जाता है, ठीक है, वो भी क्लासिक में चारों का मिलकर 20 केडी हो जाता है, ठीक है, पाँच छः का केडी है अपना, तो 20 केडी इधर ही हो जाता है, तो वो 20 केडी को हम लोग जब विदाउट चिकन डिनर 20 केडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 20% का विन रेट है अपना, उसमें हम लोग कर लेते चिकन विदाउट चिकन डिनर 20 का केडी हम चारों मिलकर, तो भाई जब डायमंड लॉबी पे खेलेंगे बंदे को मारेंगे तो 35 का केडी कम है हमारे लिए, तो ईजी है, जो मतलब भाई एस लॉबी पे 30-35 किल्स ऐसा हो सकता है, तो भाई हम लोग को प्लैटिनम और डायमंड लॉग पे तो कम नहीं लग रहा है भाई, हम लोग हैकर्स नहीं है, हम लेजिट खेले, हम लोग के पास प्रूफ है, और एक साल पहले हम लोगों ने PMIT क्वालिफाई किया, हम लोग के पास प्रूफ है भाई, इसके लिए जस्टिस चाहिए ही चाहिए। जो भी यूट्यूबर्स हैं प्लीज़ हेल्प कर दो इसको, और जो भी यूट्यूबर्स का नाम लिया इसमें अगर गलती से उन लोग को अब्यूज़ कर दिया तो माफ़ कर दो, बट इसका हेल्प तुम लोग को ही करना चाहिए। तो गाइस इसका जो भी स्लॉट स्कैम है जिसको भी हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, और छोटे यूट्यूबर्स कुछ नहीं कर पा रहे, सो एटलीस्ट सपोर्ट तो करो इस वीडियो पे, अच्छे से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो वायरल होने से एटलीस्ट हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो थैंक यू गाइस।